हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त आपका और शुभेंदु चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूँ सेशन के अंदर, जहाँ पर हम लोग द हिंदू की कुछ ऐसी खबरें और एडिटोरियल के ऊपर चर्चा करेंगे, जिन्हें पढ़कर निश्चित ही आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर आप लोगों को बेटर रेंज मिलेगी। बट उन सबके पहले आप लोग मेरे साथ में ऐसा टेन टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो, मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगा। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास, यानी कि ये क्लास मेरे द्वारा लाइव ली जाती है। कोशिश क्या करो कि इस क्लास के अंदर मेरे साथ में लाइव जुड़ो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना तो अभी बहुत अच्छा समय आप लोगों के पास में, 23 दिसंबर तक ऑफर अवेलेबल है, जहां पर आप लोग अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप लोगों को डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेंगे और साथ में आपको 3 महीने का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिलेगा 18 महीने के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। इससे आपको फायदा क्या होगा, देखो 18 महीने का सब्सक्रिप्शन मतलब प्रीलिम्स तक जाएगा, ठीक है, जून तक। उसके बाद 3 महीने का एक्सटेंशन, प्रीलिम्स के 3 महीने के अंदर मेंस होती है, तो 3 महीने के एक्सटेंशन की वजह से ये मेंस तक जाएगा, यानी कि 18 महीने के सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको 2024 की प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करने का कंप्लीट मौका मिलेगा। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। दोस्तों हम लोगों के मन में अक्सर आता होगा कि सर क्यों ही सब्सक्रिप्शन ले, मतलब हम लोग यूट्यूब पे पढ़ तो लेते हैं। देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि पढ़ तो लेते हैं, दिक्कत यह है कि पढ़ाई के साथ में प्रॉपर गाइडेंस जरूरी है। पढ़ाई के साथ में टेस्ट सीरीज समय पे लगाना जरूरी है, पढ़ाई के साथ में किताबें यानी कि बुक सही रूप से पढ़ना जरूरी है, पढ़ाई के साथ में किस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करना है उसकी स्ट्रेटजी वगैरह तैयार होना जरूरी है। ये चीजें आपको लंबे समय में काम देती हैं, यही चीज आपका सिलेक्शन कराती है, ठीक है। केवल पढ़ाई से मतलब पढ़ाई इज ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट चीज है, पर पढ़ाई के साथ में आप लोगों को इन सारी चीजों की भी आवश्यकता होती है, यानी कि आपको गाइडेंस चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज लगाना पड़ेगी रेगुलर, आपको खुद से चेक करना पड़ेगा मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि यार किताबें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, किताबों के अंदर से वोकैबुलरी पकड़नी पड़ेगी, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनका यूज करना पड़ेगा अपने आंसर्स के अंदर, तो वो किताबों से आएंगे। साथ में प्रॉपर स्ट्रेटजी को तैयार करना पड़ेगा। इन सबके लिए अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग कोड यूज करो SRC10, जिसके बाद में आपको मेरे द्वारा गाइडेंस मिलेगी, मैं आप लोगों को टेस्ट और स्ट्रेटजी बना के दूंगा। टेस्ट जो है वो आपको अनअकैडमी के ऊपर मिलेगी, अनअकैडमी के द्वारा आपको किताबें जो है वो दी जाएंगी, साथ में आपको ऑप्शनल की भी तैयारी कराई जाएगी। अनअकैडमी एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर जहां पे ऑप्शनल की तैयारी कराई जाती है, और किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऑप्शनल की तैयारी नहीं कराई जाती। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो, 23 दिसंबर तक बहुत अच्छे ऑफर अवेलेबल है। दोस्तों आज हम लोग इन सारी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। एक एडिटोरियल आया है CTC सेविंग का, दूसरा एक एडिटोरियल आया है बिहार हुच केस का, फिर उसके बाद में हम लोग ग्लोबल मिनिमम टैक्स के ऊपर बात करेंगे कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स क्या होता है। यूरोप ने अभी रिसेंटली ग्लोबल मिनिमम टैक्स को अपना लिया है और उन्होंने उसके कानून पास करने की बात भी कर दी है, ठीक है। कार्बन मार्केट क्या होता है, क्योंकि भारत के अंदर रिसेंटली जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है उसके अंदर कार्बन मार्केट बनाने की बात की गई है। बेटा और कुरुबा ट्राइब कौन सी है, क्योंकि इसे अभी ST स्टेटस देने के लिए लोकसभा ने एक बिल पास कर दिया। लगभग 3000 श्रीलंका के लोग जो हैं उन्हें सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जो है भारत के अंदर दिया जा रहा है। COP15 के वजह से CBD के अंदर एक हिस्टोरिकल डील हुई है। कल मैंने आपको बताया था CBD क्या होता है ना, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। उसके अलावा राजस्थान के अंदर LPG के सब्सिडी के लिए क्या स्कीम है, मॉनेटरी पॉलिसी हुटेज टू वेज प्राइसेस PMEAC मेंबर ने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडिटोरियल के ऊपर, द कॉस्ट टू द कंट्रीज जस्ट फॉर सेविंग इन CTC। देखो इसके अंदर ना कैजुअल वर्कर की बात की गई है। कैजुअल वर्कर मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर मतलब जब भी मैं कुछ बात करूँ ना कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर की, तो आपके दिमाग में ना एक बार वो जोमेटो बॉय को लेके आ जाना जो आपके खाना डिलीवरी करता है, या फिर ओला उबर के ड्राइवर को लेके आ जाना, ठीक है। कैजुअल वर्कर बेसिकली होते कौन है, कैजुअल वर्कर मतलब वो लोग जिनके पास में परमानेंट जॉब नहीं है, ठीक है। जैसे आपने कई बार देखा होगा ना ड्राइवर, या फिर जो घर बनाने के लिए मजदूर काम करता है उसके बाद कोई परमानेंट जॉब नहीं रहती है, उसको कॉन्ट्रैक्ट पे हायर किया जाता है कि सुबह से शाम की इतनी दिहाड़ी दूंगा, ठीक है। कैजुअल मतलब वो दिहाड़ी वाले काम करने वाले, ठीक है। सफाई कर्मचारी अगर आप देखोगे तो सफाई कर्मचारी को भी परमानेंटली हायर नहीं किया था कि भैया तुम जीवन भर हमारी ही जगह पे काम करोगे, नहीं, इन लोगों को भी कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है। आपके घर में जो पेंट वगैरह होता है,
उसके लिए भी आप कॉन्ट्रैक्ट देते हो किसी को, और फिर जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो 4-5 दिहाड़ी मजदूर दूर को लेके आ जाता है, और वो मजदूर जो है वो आपके घर के अंदर पेंटिंग कर देता है। मतलब क्या कि जो दिहाड़ी मजदूर टाइप से वर्कर्स होते हैं जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे किसी ने हायर किया हुआ, ठीक है, आपने किसी को ठेका दे दिया, ऐसे कहते हैं ना कि यार ये ठेकेदार मेरा घर बना रहा है, तो ठेकेदार मतलब आपने किसी को ठेका दे दिया, ठेका मतलब देना मतलब क्या, आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया घर तू बनाएगा। अब जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई तू घर बनाना, वो क्या करेगा, कुछ वर्कर लेके आएगा ना घर बनाने के लिए, जो वर्कर वो लेके आएगा वो क्या हो जाएंगे, कैजुअल वर्कर, कई सारे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर, कई सारे वर्कर तो ऐसे होते हैं जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, जैसे ड्राइवर है, इस तरीके कई सारे वर्कर हम लोग को देखने को मिलते हैं। भारत के अंदर आज के समय पे लगभग 50 मिलियन लोग कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हैं, 150 मिलियन लोग कैजुअल वर्कर के रूप में। भारत के अंदर जो टोटल लेबर फोर्स है वही 450 मिलियन के आसपास की है, मतलब एक तिहाई लोग भारत के अंदर 150 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में दिखाई देते हैं, यानी कि कैजुअल वर्कर के रूप में दिखाई देते हैं, अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2021। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, कि कैजुअल वर्कर क्या होते हैं, इट इज अ इंपॉर्टेंट कीवर्ड। ठीक है, उसके बाद एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री ये कहती है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं ये लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कम हो रहा है। 2004 के अंदर लगभग 24% लोग कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर थे, अब वो लगभग 38% होगा। इवन आपको लग रहा होगा कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर बढ़ रहा है, बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ही बढ़ रहा है। गवर्नमेंट के अंदर भी जो नॉन कोर एक्टिविटी है, जैसे सफाई करना, ठीक है, तो सफाई के लिए एक अलग कॉन्ट्रैक्ट बांट दिया जाता है सरकार के द्वारा, किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए एक अलग कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। आजकल आपको सरकारी कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा देखने को मिलेंगे, और जब सरकारी कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा है तो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर भी देखने को मिलेंगे। लगभग 7.1% लोग पीएसयू के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर थे 2011-12 के अंदर, आज वो लगभग 37.2% हो चुके हैं। यानी कि लगातार कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाओ चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, दोनों में ही बढ़ रहा है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर थोड़ा तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि ओवरऑल एवरेज 38% है, और 37.2% आपको कहां देखने को मिल रहा है, गवर्नमेंट में। प्राइवेट सेक्टर के अंदर 38.8% के आसपास देखने को मिलेगा कॉन्ट्रेक्चुअल, तो इस तरीके की चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। पर सवाल उठता है कि यार ये कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर क्यों हम लोग कर रहे हैं, मतलब इनको क्यों रख रहे हैं, या किसी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों रखा जा रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर बढ़ क्यों रहे। ठीक है, यही कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर जो है वो गिग इकोनॉमी का भाग भी बन जाते हैं कई बार। तो देखो सीधी सी बात है, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर कोई भी सेक्टर, वो क्या चाहेगा, अपना प्रॉफिट करना। अगर वो अपना प्रॉफिट करना चाहेगा तो उसकी वजह से हम लोगों को देखने को मिलेगा कि कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर प्रॉफिटेबल होते हैं। क्यों प्रॉफिटेबल होते हैं, देखो कभी भी किसी व्यक्ति को हायर किया जाता है ना, तो केवल उसकी सैलरी के अंदर ही खर्चा नहीं होता, और भी कई सारी जगहों पे खर्चा होता है। मतलब सैलरी पे तो खर्चा होता ही है, सैलरी मतलब वेज, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर की वेज जो है वो कम होती है दूसरे वर्कर के मुकाबले। इवन जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर होते हैं उनके ऊपर मिनिमम वेज एक्ट नहीं लगता, और जब मिनिमम वेज एक्ट नहीं लगता, ये कीवर्ड याद रखना है, मिनिमम वेज एक्ट, जिसके कारण से जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं इनकी जो सैलरी होती है वो मिनिमम वेज से कम होती है, और जब मिनिमम वेज से कम होती है इसका मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर अंडर पेड होते हैं। अब इनको पेमेंट कौन कर रही है, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री पेमेंट कर रही है किसको, वर्कर को। तो अगर वर्कर की सैलरी कम है मतलब प्रॉफिट किसका ज्यादा है, इंडस्ट्री का, इस कारण से कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर को हायर करेगी, पहली चीज। तो दूसरी चीज हम लोगों को यह भी देखने को मिलेगी कि देखो अब अपने दिमाग में एक बार कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर को समझने के लिए जोमेटो बॉय को याद करो। अगर आप जोमेटो बॉय को याद करोगे जो आपके यहाँ पे घर में खाना डिलीवर कर रहा है, एक तरफ वो जोमेटो बॉय है, तो दूसरी तरफ आपको देखने को मिल रहा है कोई एकदम सूट बूट टाई वाला आदमी जो रेगुलर काम करने जा रहा है, रेगुलर एम्प्लॉय किसी कंपनी के अंदर। ठीक है, अगर आपने रेगुलर एम्प्लॉय को देखा होगा, कई सारे लोगों की जॉब भी लगी होगी, तो इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि नहीं अलग से, शुरुआत के अंदर जब जॉब मिलती है उसके पहले ट्रेनिंग देते हैं, 2-3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, समझाया जाता है ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है। जोमेटो बॉय को क्या ट्रेनिंग दी जाएगी खाना डिलीवर करने के लिए, तो यहाँ पे कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। अब जब ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है तो फिर क्या हो गया, यहाँ पर जो ट्रेनिंग का खर्चा है वो बढ़ गया, यानी कि हायरिंग का खर्चा बढ़ गया,
हायरिंग का खर्चा जो है वो बच गया जोमेटो बॉय के पास। दूसरा कि यह है जोमेटो बॉय, यह है रेगुलर एम्प्लॉय। जोमेटो बॉय आपके जीवन के अंदर अगर आप खुद अगर कंपनी के मालिक हो तो ये आपके और पैसे इस तरीके से ही बचाएगा कि इसको आपको लीव नहीं देनी पड़ेगी, तो मैनेजमेंट वाले लोग इसको ज्यादा पसंद करेंगे, इसको चाहिए भाई साहब लीव भी, ये बिना ट्रेनिंग के बिना लीव के कम पैसे में काम करेगा, लो सैलरी में काम करेगा। ये जो है रेगुलर एम्प्लॉय, ये ज्यादा सैलरी के अंदर मोर सैलरी मांगेगा, ज्यादा वेज मांगेगा। समझ पा रहे हो कि क्यों कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर जोमेटो बॉय को इमेजिन किया, कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, लीव देने की जरूरत नहीं है, सैलरी जो है वो कम मिलेगी, तो ये इस प्रकार का वर्कर जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हो जाता है। इवन मे को इमेजिन करो, ठीक है मैं भी एक प्रकार से कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हूँ, हालांकि मेरी सैलरी कम नहीं है, पर ऐसे कोई अलग से ट्रेनिंग देने की, वैसे ट्रेनिंग दी जाती है हम लोगों को, पर थोड़ी सी, कोई बहुत ज्यादा देने की जरूरत पड़ती नहीं है। दूसरा कि हम लोगों को लीव मिलती नहीं है, एक दिन की छुट्टी मारूंगा तो चार लोग गायब हो जाओगे आप लोग, ठीक है, तो एक तरीके से हम लोग भी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर। तो ये चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है कि क्योंकि देख रहा है ना भाई विनोद, देख रहा है ना विनोद के कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर के जरिए कैसे पैसा बचाया जाता है, और अगर कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर के जरिए पैसा बचाया जाता है तो फिर कंपनी किसको पसंद करेगी, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर को। पर कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर को पसंद करने की वजह से समस्या क्या होगी, समस्या ये होगी कि कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर जो है उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है, उसको आप कम पैसा दे रहे हो, ठीक है, वो कोई बहुत अच्छा वो नहीं है, मतलब एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो ठीक से काम नहीं करेगा ना, वो काम नहीं करेगा तो इंडस्ट्री के अंदर एक्सीडेंट ज्यादा होंगे, जब उनको काम कराया जाएगा तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे, गलत तरीकों से चीजों को अचीव करने के तरीके जो है वो बढ़ जाएंगे, ऐसे इश्यूज जो है वो देखने को मिलेंगे, जिसके कारण से आपने कंपनी का तो प्रॉफिट कर दिया पर आपने कंट्री का नुकसान कर दिया। ऐसी चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। इवन आजकल तो जो टेक्निकल कंपनीज है वो नई नई टेक्निक निकाल रही है, पहले जो कोर इंडस्ट्री हुआ करती है, जैसे ड्राइवर अपने आप में कोर इंडस्ट्री, खुद का मालिक है, उसको क्या कर दिया, पार्टनरशिप में मालिक बना दिया, धीरे धीरे करके उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, ठीक है, कहा कि भैया तेरी गाड़ी तू चला, तेरे को पैसा हम देंगे, तेरे को बहुत पैसा देंगे, शुरुआत में ड्राइवर ने चलाई, फिर धीरे धीरे करके उसकी सैलरी कम कर दी, उसको भी दबाना शुरू कर दिया। उबर के ओला के ड्राइवर के साथ में ऐसा हो गया, टेक्निकल बिजनेस के अंदर जो कोर एक्टिविटी कन्वर्ट हुई उसकी वजह से जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज है वो नष्ट होने लगी। जैसे जैसे पहले क्या होता था कि कई सारे मोबाइल फोन की दुकानें थी, वो बैलेंस डालती थी, आजकल क्या हो गया, फोन पे, अब केवल घर में बैठे बैठे आप खुद बैलेंस डाल लेते, तो जो छोटी छोटी दुकानें हैं वो तो बंद होने की नौबत पे आ गई ना, तो वो भी सप्रेस हुई, यानी कि धीरे धीरे करके जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो बढ़ता चला गया और जो इंटरमीडिएट क्लास है वो किधर जाती चली गई, गरीब क्लास के अंदर, है ना, अगर कार्ल मार्क्स की भाषा में बात करूं तो प्रोलेटेरियट की तरफ, ठीक है। तो ये इशू जो है वो हम लोगों को धीरे धीरे करके देखने को मिल रहा है, और नई नई तकनीक निकाली जा रही है कि किस तरीके से एम्प्लॉयर्स को ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, किस तरीके से कंपनी अपने प्रॉफिट को और बढ़ा सकती है। जो लेबर कोड्स हैं उनके अंदर जो कानून वगैरह दिए गए, जो ऑब्लिगेशन दिए गए, उनसे बचने के नए नए तरीके जो है वो कंपनियां निकाल लेती हैं, और फिर उसके बाद में जो लेबर है वो डायरेक्टली एक्सप्लॉइट होता है, तो वो इशू हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा बिहार प्रोहिबिशन पॉलिसी इज नॉट वर्किंग। देखो बिहार के अंदर कहने के लिए दारू बंद है, ठीक है, दारू कहने के लिए बंद है क्योंकि कानून के अंदर 2016 के अंदर बिहार के अंदर एक कानून पास किया गया था, बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2016, जिसके तहत बिहार के अंदर दारू बैन कर दी गई थी, मतलब दारू खुले में नहीं बिकेगी, पर अभी भी दारू बिकती है, दारू बिकती है ब्लैक के अंदर। आपको आए दिन ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे जहां पे पुलिस ने कहीं ना कहीं रेड मारी और इस तरीके से दारू मिली, और फिर पुलिस क्या करती है, उस दारू को इस तरीके से फोड़ देती है, आए दिन केस देखने को मिलेंगे बिहार में। बिहार के अंदर आए दिन आपको केस देखने को मिलेंगे जहरीली शराब पीने की वजह से इतने लोगों की मृत्यु हो गई, आए दिन आपको केसेस देखने को मिलेंगे कि बिहार उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पे दारू पकड़ा गई, आए दिन आपको केसेस देखने को मिलेंगे कि दारू जो है उसको पीने की वजह से एक पूरा परिवार जेल में चला गया, दारू पीने की वजह से आए दिन आपको केसेस देखने को मिलेंगे कि बिहार के अंदर नंबर ऑफ केसेस ड्रग्स
के लेने बढ़ गए, मतलब दारू बैन हो गई पर दूसरी सारी एक्टिविटी बढ़ गई। देखो दारू बैन होने से क्या होता है, हम भारत में ऐसे लोग हैं कि ड्राई डे के दिन भी दारू नहीं छोड़ते, ड्राई डे के दिन भी ब्लैक में दारू खरीद के ले आते हैं, भले ही वो अनहेल्दी हो पर पी लेते हैं। अब पहले सवाल उठता है कि भैया ये दारू बैन करने का रीजन क्या, मतलब क्यों दारू बैन की गई? तो पहला तो वुमन एम्पावरमेंट के लिए, दारू की वजह से सबसे ज्यादा कोई प्रताड़ित है, सबसे ज्यादा कोई परेशान है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट इज वुमन, क्योंकि घर में पति जो है वो दारू पी के आता है, फिर घर में आता है, फिर हो हल्ला करता है, फिर चिल्ला चोट करता है, गालियां देता है। आपके हर हर व्यक्ति के पड़ोस में एक ना एक ऐसा व्यक्ति मिल ही जाएगा जो हर कुछ दिन में दारू पी के आएगा, चिल्लाएगा, बॉटल फेंकेगा, अपनी पत्नी को मारेगा, डोमेस्टिक वायलेंस करेगा। तो सबसे ज्यादा प्रताड़ित कौन है? महिला। यूं जब वो दारू पिया नहीं रहता है तो भीगी बिल्ली जैसा रहेगा, जैसे ही वो दारू पी लेगा वो अपने आप में शेर हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से फिर वो क्या करता है, घर पे महिला को प्रताड़ित करता है, जिसके कारण से महिला जो है वो परेशान होती है, ठीक है। दारू बैन करने का दूसरा कारण ये है कि दारू डेथ का कारण है। पीने की वजह से शरीर तो अनहेल्दी हो रहा है, पर दूसरी तरफ शरीर के अनहेल्दी होने के साथ में अगर आप दारू पी के ड्राइविंग कर तो उसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। भारत के अंदर अधिकतर एक्सीडेंट शराब पीने की वजह से पाए गए हैं। इस कारण से एक्सीडेंट बचाने के लिए, लोगों की हेल्थ को ठीक करने के लिए दारू को बैन किया जाता है कि दारू का प्रयोग कम करो। भारत के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर लिखा गया है कि इंटॉक्सिकेशन हटाना है, गांधीयन फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अंदर कहा गया कि दारू को, मतलब इंटॉक्सिकेशन को रोकना है, तो उसको भी इंप्लीमेंट करने के लिए दारू जो है वो बैन की जाती है। जिन राज्यों के अंदर दारू बैन होती है उन राज्यों को कहा जाता है कि ये ड्राई स्टेट है, जैसे गुजरात, जैसे बिहार, ये राज्य जो है वो ड्राई राज्य है, ठीक है। पर जैसे मैंने गुजरात का नाम लिया तो आपको ना वो रईस मूवी याद आ रही होगी, ठीक है। रईस के अंदर, रईस मूवी के समय पे, उस समय पे भी दारू बंद थी, पर फिर भी किन किन तरीकों से दारू को बेचा जा रहा था, ऐसी कंडीशन में प्रॉब्लम्स भी कई सारी उभर के आती है। प्रॉब्लम क्या उभर के आती है कि ब्लैक में दारू बेची जाती है। ब्लैक में जब दारू बेची जाती है ना तो छोटे बच्चों का प्रयोग किया जाता है। छोटे बच्चों का प्रयोग किया जाता है एक ऐसे सेक्टर में, शराब जैसे सेक्टर में, ताकि दारू पकड़ाया जाए। नए नए तरीकों का प्रयोग कर लिया जाता है, एम्बुलेंस का प्रयोग कर लो, ये प्रयोग कर लो, वो प्रयोग कर लो और दारू बेचो, ठीक है। दारू इरेगुलेटेड रूप से बिकती है। अब गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं है ना, ब्लैक में तभी तो बिक रही है, तो फिर उसके कारण से क्या होगा, जहरीली शराब बनेगी। जहरीली शराब क्यों बनेगी? क्योंकि घर में दारू बना दी किसी ने, घर में दारू बनाने की कोशिश की, जिसे आप कहते हो ना देसी शराब, तो देसी शराब जो है वो बनाने की कोशिश की, और वो देसी शराब के ऊपर डिपेंडेंट कौन है, जो पुअर मिडिल क्लास व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति है वो देसी शराब पिएगा, क्योंकि ब्लैक में अगर दारू मिल रही है तो कोई व्यक्ति रिस्क लेके दारू लेके आ रहा तो वो महंगी बिकती है, नॉर्मल से ज्यादा रेट में मिलेगी। तो जब नॉर्मल से ज्यादा रेट में ब्लैक में शराब मिलती है तो एक गरीब व्यक्ति अच्छी क्वालिटी की शराब जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाता, तो देसी शराब पिएगा, और देसी शराब पिएगा तो कहीं किसी घर में बनी हुई होगी, तो हो सकता है वो जहरीली हो सकता है उसके अंदर गलत कंपाउंड का प्रयोग कर दिया, जिसके कारण से जहरीली शराब के केसेस के अंदर कई सारे लोग जो है पकड़ा जाता है, कई सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये जहरीली शराब के केसेस जो है बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं है। साथ में हम लोगों को ये भी देखने को मिलता है कि दारू यूं अगर रेगुलेटेड रूप में बिकती है, मतलब ड्राई स्टेट नहीं है, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट के पास में टैक्स आता है। पर अगर ड्राई स्टेट है तो दारू कैसे बिक रही है? ब्लैक में। अब जब दारू भाई साहब ब्लैक में बिक रही है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास में टैक्स जो है वो नहीं आएगा, टैक्स डायरेक्टली गिर जाएगा शराब की वजह से, अल्कोहल की वजह से। और ये टैक्स किसका होता है? स्टेट का। इवन अकॉर्डिंग टू द पूना हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जब से दारू बैन हुई है बिहार के अंदर, तब से दूसरे प्रकार के ड्रग्स का सेवन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना कहते हैं कि बिहार के अंदर जो दारू को बैन किया गया वो एक पॉलिसी ऐसी थी जिसके अंदर ज्यादा कुछ सोचा समझा नहीं गया और डायरेक्ट चीजों को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो ये आर्गुमेंट इन फेवर और ये आर्गुमेंट इन अगेंस्ट है, क्योंकि अभी हुच केस काफी ज्यादा खबरों के अंदर है, तो उसको थोड़ा सा समझ लो कि क्या आर्गुमेंट फेवर में है, क्या आर्गुमेंट अगेंस्ट में। इवन बिहार के अंदर दारू को बैन करने के लिए और भी कुछ चीजें की गई।
कि जब लोग फिर भी नहीं मान रहे थे कि यार भैया हम दारू तो पियेंगे, आसपास यूपी वगैरह से लेके आ जा रहे थे, यूपी झारखंड यहाँ से दारू आने लग रही थी। तो ऐसी कंडीशन में नीतीश कुमार की सरकार द्वारा 3 बार कानून को अमेंड किया गया, और कानून को अमेंड करके कह दिया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर दारू पीता हुआ पाया जाता है तो न केवल उसको अरेस्ट किया जाएगा बल्कि उसके पूरे परिवार को अरेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद जो प्रिजन है, जो जेल है, वो बस भर्ती चली जा रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, लोग फिर भी दारू पी रहे हैं, जिसको आदत है वो अभी भी चले जा रहे हैं। इसके अलावा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। रिसेंटली यूरोपियन यूनियन के अंदर क्या हुआ ना कि जो मिनिमम टैक्स है 15% का, वो पास हो गया। अब ये मिनिमम टैक्स क्या है एक्चुअली में, ये OECD का प्लान था मिनिमम टैक्स का। देखो एक बार ये वर्ल्ड मैप देखो, आप चीजों को अपने आप समझ जाओगे। देखो एक केस दे रहा हूं, ठीक है, एक केस थोड़ा सा विचार करना। ये इंडिया है, इंडिया में मान लो कॉर्पोरेट टैक्स लगभग 15% है। ये अमेरिका है, यहां पे कॉर्पोरेट टैक्स मान लो लगभग 17%। मान लो यहां पर एक मॉरिशियस है, यहां पर कॉर्पोरेट टैक्स 2%। यानी कि अगर आपकी कंपनी यहां पर है तो अपनी कंपनी अपने प्रोडक्शन के ऊपर जो टैक्स देगी वो केवल 2% देगी। अब आप खुद सोचो, आप अगर हो, विचार करो, तो आप कहां अपनी कंपनी लगाओगे, इंडिया में, अमेरिका में, या मॉरिशियस में? मॉरिशियस में तो क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट है। ठीक है, चलो आपने मॉरिशियस के अंदर अपनी कंपनी लगा दी, ठीक है, आपने 2% वहां पे टैक्स दिया, ठीक है, आपकी कंपनी इंडिया की थी पर आपने इंडिया में कंपनी ना लगाते हुए आपने मॉरिशियस के अंदर मेन कंपनी अपनी लगा दी ताकि आपका टैक्स जो है वो कम लगे, कॉर्पोरेट टैक्स। बढ़िया है, अच्छा जीवन चल रहा है, आपने कम कॉर्पोरेट टैक्स दिया। अब फिर इंडिया ने सोचा कि यार ये तो मॉरिशियस अपना सारा टैक्स ले जा रहा है, मतलब हकीकत में तो ये टैक्स गवर्नमेंट के पास माना था ना, इंडियन गवर्नमेंट के पास में, पर वो किसके पास में चला गया, मॉरिशियस के पास में। तो इंडिया ने कहा कि नहीं, 15% को टैक्स को कम करो, वो 15% टैक्स को कम करके अब हम लोग केवल 1% टैक्स लेंगे, ताकि जो कंपनियां हैं वो कहाँ है, इंडिया में है, इंडिया में प्रोडक्शन ज्यादा हो, GDP ज्यादा हो, इंडिया के अंदर जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, तीसरा के इंडिया के अंदर थोड़ा तो रेवेन्यू आए, मतलब 15% की वजह से तो अधिकतर कंपनियां मॉरिशस जा रही है तो हमको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि अपन खुद ही 1% करते। तो क्या हो गया कि आपस में देशों के बीच में कंपटीशन हो गया, मॉरिशस सिंगापुर के अंदर भयंकर कंपटीशन कि हम कम टैक्स सकेंगे, हम कम टैक्स सकेंगे। पर ऐसी कंडीशन के अंदर नुकसान किसका हो रहा, इंडिया USA जैसे देशों का, कि इनकी कंपनियां जो है वो कहां जा रही है, ये मॉरिशस के अंदर जा रही है, ये सिंगापुर के अंदर जाके ऑपरेट कर रही है, तो इनके पास में टैक्स नहीं आ रहा, पहली चीज। तो दूसरी चीज आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ओवरऑल रूप से नुकसान तो गवर्नमेंट का ही हो रहा है ना, सारी गवर्नमेंट को मिला दो तो पहले जो टैक्स 17 या 15% मिलना चाहिए था वो 1-2% मिल रहा। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ओवरऑल पब्लिक लेवल पे अगर अपन बात करें, गवर्नमेंट के पास में जो पैसा आना था वो गवर्नमेंट के पास में नहीं जा रहा, वो पैसा किसके पास में रहा, कॉर्पोरेट के पास में। अब कॉर्पोरेट जो है वो कैपिटलिस्ट है, इसके पास तो पहले ही पैसा, गवर्नमेंट के पास में पैसा होता तो गवर्नमेंट वेलफेयर के काम करती, मतलब वेलफेयर के काम रुक गए ना, इनइक्वालिटी बढ़ने लग गई। समझे मेरी बात, समझे मेरी बात, फिर से बताता हूं, कॉर्पोरेट टैक्स मिनिमम होने की वजह से आपस में देश जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स को मैं कम करूंगा, मैं कम करूंगा, ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्ट ही कम हो, जिसके पास में गवर्नमेंट के पास में पैसा ओवरऑल रूप से कम आ रहा। पहले जो गवर्नमेंट के पास में कॉर्पोरेट टैक्स की वजह से 1980s के समय पे 40% तक रेवेन्यू आता था, वो कम होके 25% हो गया। ओवरऑल रूप से ग्लोबल लेवल पे गवर्नमेंट के पास ही पैसा कम हुआ ना, और ये पैसा गवर्नमेंट के पास में कम हुआ तो किसके पास में बचा, कॉर्पोरेट के पास में। और अगर कॉर्पोरेट के पास में पैसा बचा रह गया तो भैया ये तो कैपिटलिस्ट है ना, इसके पास में तो पहले ही पैसा था तो अमीर अमीर हो गया। अगर पैसा गवर्नमेंट के पास में आता तो कॉर्पोरेट के पास में नहीं रहता, तो गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स वसूल करती तो ये पैसा जो है वो गरीबों के पास में जाता, वेलफेयर के लिए जाता, तो इनइक्वालिटी कम होती। तो फिर एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया गया, ग्लोबल मिनिमम टैक्स, कि भैया ये जो रेस है इसको खत्म करो, टैक्स मैं कम करूंगा, मैं कम करूंगा, मैं मेरे को सब आता है, वैसा वाला सिस्टम कम करो। और फिर ऐसा करो कि मिनिमम टैक्स 15% रखो, 15% से कम टैक्स किसी का नहीं होना चाहिए, ऐसा OECD कंट्री ने कहा।
अगर किसी का होता है तो क्या होगा? जैसे मान लो कोई कंपनी इंडिया की है, ठीक है, मान लो कोई कंपनी है इंडिया की, ये यहां पर आपको इंडिया दिखाई दे रहा है, ठीक है, इंडिया की मान लो एक कंपनी है जो कि मॉरिशियस के अंदर ऑपरेट कर रही है, मॉरिशियस केवल 2% ही टैक्स ले रहा है, तो बचा हुआ टैक्स जो है वो इंडिया लेगी, दैट इज 13%। तो मॉरिशियस के पास में मौका है कि काम करो कि मिनिमम 15% टैक्स ले, ठीक है, मिनिमम ग्लोबल मिनिमम टैक्स, या कहूँ मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। इसकी वजह से होगा क्या? देखो, मॉरिशस भले ही 2% टैक्स लगा ले, भले ही 2% टैक्स लगा ले, पर बचा हुआ जो 13% है वो फिर इंडिया के पास चला जाएगा, तो कंपनी को तो अभी 15% ही मिल रहा है ना, देना पड़ रहा है टैक्स, भले वो मॉरिशस में कंपनी लगाए, भले वो सिंगापुर में लगाए, भले वो कहीं भी लगाए। अगर वो सिंगापुर में लगा रही है और सिंगापुर के अंदर मान लो कि 10% टैक्स लिया जा रहा, तो बचा हुआ 5% जो है वो इंडिया लेने लगेगा उस कॉर्पोरेट कंपनी से, जिसके कारण से ओवरऑल रूप से तो कंपनी को तो 15% ही तो टैक्स देना पड़ रहा है ना, सिंगापुर का नुकसान हो रहा है क्या? सिंगापुर भी सोच रहा है क्या, 5% और भी लगा देता तो कंपनी तो उतनी रहेगी, क्योंकि तो मिनिमम टैक्स है, क्योंकि कंपनियों को सिंगापुर के अंदर जाए, इंडिया के अंदर जाए, अमेरिका के अंदर जाए, हर जगह मिनिमम 15% तो टैक्स देना ही है, कहीं पे भी जाए तो फिर हर एक देश मिनिमम जो टैक्स रखेगा वो 15% रखेगा ना। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में क्रिएट होगा? अब आप कहोगे कि सर ठीक है 15% कर देंगे तो हाई इनकम कंपनी कंट्री तो से डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेगी, क्यों? क्योंकि हाई इनकम कंट्री की जो कंपनियां होती हैं वो जनरली डेवलपिंग कंट्रियों के अंदर जाके काम करती हैं, क्यों? क्योंकि यहां पे इनकम ज्यादा है ना लोगों के पास, तो ये छोटे मोटी नौकरी करते नहीं है प्रोडक्शन वगैरह की, साथ में हाई इनकम हो गई है मतलब पैसा ज्यादा आ गया, तो फिर क्या डिमांड भी ज्यादा है कि भैया हमको कार चाहिए, हमको घर चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। हाई इनकम कंट्री है तो आबादी भी कम है, तो ऐसी कंडीशन में कंपनियां सोचती है कि यहाँ पे लेबर इतना अच्छा नहीं है, डेवलपिंग कंट्री के अंदर जाओ वहां पे लेबर ज्यादा अच्छा है। तो कंपनी के अंदर, कंट्री के अंदर डेवलपमेंट की वजह से, कंपनी के अंदर, कंट्री के अंदर रिक्वायरमेंट की वजह से अब कंपनियां अपनी चीजों को सेटअप करेंगी, अपने जो इंस्टीट्यूट हैं, अपने जो एरियाज हैं, कैंपस है, उसे सेटअप करेंगी, ठीक है। अब लो इनकम कंट्री या फिर ऐसी कंट्री जो पहले से ग्लोबल मिनिमम टैक्स भर रही थी, जो पहले से, जैसे सिंगापुर वगैरह, कई सारी कंट्री ऐसी हैं जो लो टैक्सिंग है, जहां पर टैक्स जो है वो कम लिया जाता है, तो जो लो टैक्सिंग कंट्रीज हैं जैसे सिंगापुर है, मॉरिशस है, ये से क्यों एक्सेप्ट करेगी? उनके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं होगा ना, क्योंकि मिनिमम 15% है। अब 15% अगर ये नहीं लेंगे तो दूसरे देश जैसे इंडिया वगैरह वो तो लेंगे ही ना बचा हुआ टैक्स, तो बचा हुआ टैक्स उनके पास में जाएगा, इससे अच्छा ये सोचेंगे कि हमारे पास टैक्स आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए? ग्लोबल मिनिमम टैक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए किसी भी गवर्नमेंट को कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंक्लूड हो, ठीक है, तभी ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स काम कर सकेगा। जैसे सिंगापुर मॉरिशस भले ही नहीं कर रहा, पर बाकी सारे देश कर रहे हैं, तो फिर इनको भी करना पड़ेगा। पर अब दो चार देश हैं जो कर रहे हैं ग्लोबल मिनिमम टैक्स, बाकी कोई भी नहीं कर रहा, सब कह रहे हैं कि नहीं हम तो और भी कम करेंगे, और भी कम करेंगे, और भी कम करेंगे, तो ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। ग्लोबल मिनिमम टैक्स कार्टेल पे चल रहा है, ठीक है, कि एक साथ कितने देश साथ में आएंगे जिसकी वजह से हम लोग ये मिनिमम टैक्स को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा देशों की भागीदारी होना जरूरी है। अब यूरोपियन यूनियन को अगर आप देखोगे तो यूरोपियन यूनियन कोई एक देश तो है नहीं, यूरोपियन यूनियन कितने देश है? ढेर सारे देश, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन के अंदर भी क्या किया गया है कि मिनिमम टैक्स इन सारे देशों का 15% होगा, किसी का 15 से ज्यादा हो सकता है, किसी का 15 से कम हो सकता है, पर यूरोपियन यूनियन के मेंबर ने प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर लिया मिनिमम टैक्स ऑफ 15%। इवन ओईसीडी के अंदर जब इसके ऊपर चर्चा हुई तो बाद में लगभग 136 देशों ने इस ग्लोबल मिनिमम टैक्स को एक्सेप्ट किया, कहा कि हाँ हम लोग भी इसको इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब जितने ज्यादा देश होंगे उतना ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो है वो इंप्लीमेंट हो पाए, अगर देश कम होंगे, दो चार देश होंगे, तो फिर सिंगापुर मॉरिशस को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्या हाँ भाई तुम करते रहो, बाकी देश तो है ना जिनकी वजह से हमको 2-3% का ही टैक्स लगाने पर ही बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो वैसा बेनिफिट यहां पर देखने को मिल रहा है।
ठीक है, व्हाट आर द कार्बन मार्केट एंड हाउ डू दे ऑपरेट, कार्बन मार्केट क्या होते हैं और कैसे ये ऑपरेट करते हैं। रिसेंटली एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 के तहत भारत की पार्लियामेंट ने जो दिसंबर 2022 के अंदर पास किया था, इसके अंदर कहा था कि भारत के अंदर हम लोग कार्बन मार्केट बनाएंगे। अभी कार्बन मार्केट क्या होता है, एक्चुअल में पेरिस एग्रीमेंट के अंदर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन थे जिसके अंदर कहा था कि कार्बन एमिशन को मिनिमम करना, ठीक है। अब तो फिर कार्बन मार्केट क्या होता है, कार्बन मार्केट इसी से हम लोग कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं। देखो हम कह रहे हैं कि कार्बन एमिशन को कम करो, कहाँ कम करो, इंडस्ट्री के अंदर कम करो, पर कुछ इंडस्ट्री ऐसी हैं जो चाह के भी अपने कार्बन एमिशन को कम कर ही नहीं पा रही, कर ही नहीं पा रही, कुछ भी कर ले। जैसे थर्मल पावर प्लांट्स, वो कुछ भी कर ले, उनके यहां से धुआं सूट वगैरह वो सब निकलना ही है। वहीं कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनका एमिशन इजीली कम किया जा सकता, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो एमिशन को कम करने के लिए काम कर रही, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो नहीं कर रही। तो कार्बन मार्केट क्या है, कार्बन की ट्रेडिंग करोगे और क्या, जैसे कहते हो ना कि शेयर मार्केट शेयर की ट्रेडिंग करते हैं, वैसे ही कार्बन मार्केट में कार्बन की ट्रेडिंग करते हैं। कैसे, देखो एक कंपनी है, मान लो इस इमेज के अंदर आपको क्लियरली समझ में आएगा, एक कंपनी है मान लो बी, ठीक है, ये जो कंपनी है इसने मिनिमम एमिशन इतना करना था, मतलब ये टारगेट थे कि इतना एमिशन करना है ना, अपने एमिशन को इससे कम लेके जाना है, ये जो लाइन है। कंपनी बी ने क्या किया, अपने एमिशन को मिनिमम से भी कम कर दिया और कंपनी ए का एमिशन बहुत ज्यादा है। कंपनी बी ने मान लो एफॉरेस्टेशन वगैरह भी किया, तो जो उसने कार्बन का एमिशन कम किया ना, उसके लिए उसको कार्बन क्रेडिट मिलेंगे। क्या मिलेंगे, कार्बन क्रेडिट के सर्टिफिकेट कि तुमने इतना कार्बन एमिशन कम किया है तो आपके पास में इतना कार्बन और है, मतलब वो क्रेडिट आपके पास में है, आप चाहो तो बाद में इतना कार्बन और एमिट कर सकते हो अगर आपको जरूरत है तो, या फिर आप इसे बेच सकते हो। तो ये जो कार्बन क्रेडिट का सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट को कार्बन मार्केट के अंदर बेचा जाए और खरीदा किसके द्वारा जाएगा, ऐसी कंपनी के द्वारा जो अपने टारगेट पूरे नहीं कर पाई, इसी चीज को कहा जाता है कार्बन मार्केट, ठीक है। और ये कार्बन मार्केट कंपलसरी या वॉलेंटरी रूप से कई सारे जगहों पे बने हुए हैं, ठीक है, और भारत के अंदर भी ये कार्बन मार्केट बनाने की बात रिसेंटली की गई है एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल के तहत। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है सर, समझ में तो आ रहा है कि कार्बन मार्केट क्या होता है, पर इस कार्बन मार्केट के अंदर भी कुछ समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है कार्बन मार्केट बहुत अच्छा है। पहला, कार्बन मार्केट की वजह से ना आप एक ही एमिशन को कम किया है, उसको दो जगह गिन रहे हो। पहला तो आपने क्या किया, इसको गिन लिया कि यार ये तो कम एमिशन कर रहा है, इसने एमिशन किया है 10 टन तक का, तो आपने इसका ये गिना कि 10 टन एमिशन हुआ। इसका आपने क्या किया, एमिटर ए का, इसने मान लो कि 100 टन किया था पर 5 टन का एमिशन, या कहूं 15, इसने 5 टन का एमिशन किया था और इसने 15 टन का एमिशन किया है, एवरेज है कि 10 टन करना है, मतलब 10 टन से ज्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि 5 टन का जो कार्बन क्रेडिट है, वो 5 टन का कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट बी कंपनी कार्बन मार्केट में बेच देगी और उसे खरीद कौन लेगी, ये ए कंपनी। और ए कंपनी फिर बताएगी कि देखो 5 का तो मेरे पास में क्रेडिट है जो मैंने बी से लिया है क्रेडिट सर्टिफिकेट, तो मैंने ओवरऑल रूप से 10 टन का ही एमिशन किया है, तो 10 टन का एमिशन यहां पे गिना, 5 टन का एमिशन यहां गिना, पर हकीकत में एमिशन कितना हुआ, 15 और 5 दैट इज 20 टन, पर यहां पे गिना कितना, 10 और 5 यानी कि 15 टन, यानी कि ओवरऑल रूप से एमिशन जो है वो क्या हो गया, कम गिना है। दूसरा, कंपनी ये फिर ये सोचेगी कि ठीक है एमिशन करते रहो, अपना प्रॉफिट करते रहो, थोड़ा बहुत पैसा बाद में दे देंगे और फिर क्या कर देंगे, कार्बन का सर्टिफिकेट खरीद लेंगे, कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट खरीद लेंगे, हो गया काम। तो उसकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल रूप से एमिशन जो है वो कम नहीं होगा। तो ये दो इशू हम लोगों को इस कार्बन मार्केट के अंदर देखने को जनरली मिलते हैं, ठीक है। अब भारत के अंदर जो कार्बन एमिशन के लिए
मार्केट बनाने की बात की जा रही है, इसके अंदर क्या समस्या है? देखो, एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल तो निकाला गया, पर उसके अंदर ये नहीं बताया गया कि कौन हकीकत में इस कार्बन मार्केट को रेगुलेट करेगा, कौन इसे रेगुलेट करेगा ये नहीं बताया। दूसरा, कि जो पुराने सर्टिफिकेट हैं, जैसे पहले भी रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट ये दिए जाते थे, तो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट, क्या इनका प्रयोग होगा इस कार्बन ट्रेडिंग के अंदर या नहीं, वो चीज़ अभी भी नहीं बताई गई है। तो ये कुछ लूप होल्स हैं। इसके अलावा फिर खबरों के ऊपर बात करते हैं, GS2 से रिलेटेड खबरें, श्रीलंका के अंदर हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि 3,000 नागरिकों को जो श्रीलंका से तमिलनाडु के अंदर एज अ रेफ्यूजी बन के आए थे, उनको नागरिकता जो है वो दी जाएगी, ठीक है, भारत के अंदर। इसके अलावा लोकसभा ने एक बिल पास किया है जिसके तहत ST का स्टेटस दिया जा रहा है बेटी और कुरुबा ट्राइब को। अब बेटा और कुरुबा ट्राइब याद रखना, सवाल पूछा जाता है, अगर मेरे पे भरोसा नहीं हो तो प्रीलिम्स के पुराने ईयर के सवाल उठा लो, प्रीलिम्स के अंदर ये सवाल पूछा जा सकता है कि बेटा और कुरुबा ट्राइब कहाँ की है, ये कहाँ की ट्राइब्स हैं। तो याद रखना, ये कर्नाटक के अंदर देखी जाती है। अब देखो, ट्राइब जो होती है ना, उनका मामला ऐसा रहता है कि ये जो ट्राइब्स होती हैं ये एक जगह नहीं होती। ट्राइब हमेशा से भारत में रह रही थी, पहले राज्य नहीं बने थे तो भी तो वो भारत में रह रही थी ना। तो भारत के अंदर ये ट्राइब्स, मान लो इस पूरे क्षेत्र के अंदर, महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु वाले क्षेत्र, महाराष्ट्र कर्नाटक केरला वाले क्षेत्र के अंदर थी, और आपने क्या किया, यहाँ पे कर्नाटक करके एक राज्य बना दिया, ठीक है, आपने ऐसे एक बाउंड्री बना दी। पर कुछ ट्राइब तो दूसरे राज्यों के अंदर भी हो सकती है ना, तो कर्नाटक और उसके आसपास वाले राज्य में बेटा और कुरुबा ट्राइब देखने को मिलती है। ये कड्डू और कुरुबा ट्राइब का ही दूसरा नाम है, कड्डू और कुरुबा आपको केरला के अंदर देखने को मिलेगी, केरला और तमिलनाडु में, ठीक है। इसके अलावा COP15 की समिट के अंदर एक बड़ा डिसीजन आया है। अब मैंने कल बताया था कि यार ये COP15 किस चीज के हो रहा है, अभी तो COP27 था, तो COP15 जो हो रहा है वो कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी का हो रहा है। कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी हकीकत में है क्या? तो कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी अर्थ समिट के तहत बना था, याद रखना, अर्थ समिट के अंदर रियो डिक्लेरेशन हुआ था उसके तहत बनाया गया था। इसके अंदर कहा था कि ऑब्जेक्टिव क्या थे, ऑब्जेक्टिव थे कि हम लोगों को प्रोटेक्ट करना है बायोडायवर्सिटी को, साथ में बायोडायवर्सिटी की वजह से जो इकोलॉजी इकोनॉमिक रिसोर्सेज मिलते हैं उसका जुडिशियस यूज करना है। इसी कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी के तहत पूरे विश्व की 196 कंट्रियां इसके भाग हैं, इंडिया भी इसका भाग है, यूनाइटेड नेशन के लगभग सारे देश इसके भाग हैं एक्सेप्ट यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स CBD का भाग नहीं है, ठीक है। यहां पर COP की मीटिंग की जाती है जहां पर डिसाइड किया जाता है किस तरीके से हम लोग बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। इसी कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी के अंदर कार्टगेना प्रोटोकॉल हुआ है, एची टारगेट डिसाइड हुए हैं, नगोया प्रोटोकॉल हुआ है। अब ये प्रोटोकॉल क्या है, तो कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी क्या है, बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, तो उसके अंदर जो प्रोटोकॉल होंगे वो भी तो बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए होंगे। कार्टगेना प्रोटोकॉल पहले ये कहता है कि देखो, कई बार क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड का जेनेटिकली मॉडिफाई करके कुछ स्पीशीज बनाई जाती है, इसकी वजह से एक समस्या क्या होती है, जैसे मान लो एक खेत है, ठीक है, खेत के अंदर आपने वीड से रजिस्ट क्रॉप बना दी जिसको वीडिसाइड का कोई असर नहीं पड़े, तो फिर आप क्या करोगे, आप खुल के वीड एकदम छीटोगे, क्रॉप के ऊपर तो कोई असर पड़ना नहीं, तो जो दूसरी वीड है वो ज्यादा नष्ट होंगी, या फिर ऐसी क्रॉप जिनके ऊपर असर पड़ता है वीडिसाइड का वो नष्ट होने लगेगी, यानी कि इंडिजिनस क्रॉप नष्ट होने लगेगी, और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वही जीवन चलने लगेगा, उनका जीवन चलेगा जो नेचुरल है उनका नहीं चलेगा। तो जो नेचुरल बायोडायवर्सिटी की क्रॉप है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कार्टगेना प्रोटोकॉल किया गया था, ताकि जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप की वजह से दूसरे देशों की इंडिजिनस नेटिव स्पीशीज के ऊपर असर ना पड़े। एची प्रोटोकॉल कुछ ऐसे प्रोटोकॉल थे जिन्हें अचीव करना था 2030 तक, ठीक है, कुछ ऐसे टारगेट थे जिन्हें 2030 तक अचीव करना था, जैसे बायोडायवर्सिटी को हर एक देश प्रोटेक्ट करेगा, उसको
को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सीतु और इन सीतु प्रोग्राम जो है वो चलाए जाएंगे वगैरह वगैरह। नगोया प्रोटोकॉल ये जुडिशियस यूज वाला है, जेनेटिक डाइवर्सिटी का जुडिशियस यूज करेंगे, ये नगोया प्रोटोकॉल के अंदर डिसाइड किया गया था। ठीक है, 2020 के अंदर हकीकत में एक समिट होनी थी, ठीक है, पर वो 2020 के अंदर हुई नहीं क्योंकि COVID-19 हो गया था 2021 के अंदर। फिर हकीकत में उसका होस्ट था चाइना, ठीक है, अब चाइना के बाद में चाइना होस्ट था पर चाइना के अंदर अभी भी COVID-19 है। ठीक है, तो ये कनाडा के अंदर किया जा रहा है, मॉन्ट्रियल के अंदर, और इसी कारण से ये जो अभी प्रोटोकॉल्स वगैरह हो रहे हैं, ये जो पैक्ट हो रहा है, इसको कनमिंग मॉन्ट्रियल पैक्ट कहा जा रहा है। कनमिंग जो है वो आपको चाइना में मिलेगा, मॉन्ट्रियल जो है वो कनाडा में मिलेगा। हकीकत में चाइना में होना था पर हो रहा है कनाडा के अंदर, ठीक है, इस कारण से कनमिंग मॉन्ट्रियल पैक्ट, क्योंकि चाइना के अंदर क्या चल रही है, कोविड पॉलिसी, जीरो कोविड पॉलिसी, इस कारण से इस पैक्ट को कहा जा रहा है कनमिंग मॉन्ट्रियल पैक्ट। इवन इसके अंदर आपको कोई चेयरमैन के रूप में दिखाई देगा ना, जो कनाडा के अंदर मीटिंग हो रही है इसके अंदर सीओपी की, तो वो चाइना के मिनिस्टर। क्यों चाइना के मिनिस्टर है? क्योंकि मीटिंग वही होनी थी, अभी चाइना ही इसका प्रेसिडेंट है सीबीडी का, पर चाइना के अंदर क्योंकि जीरो कोविड पॉलिसी है, इस कारण से वहां पे ना करते हुए कनाडा में किया जा रहा है। इसके अंदर क्या डिसाइड किया गया? इसके अंदर डिसाइड किया गया है कि 30 गोल को अचीव करेंगे 2030 तक, जिसकी वजह से धरती और समुद्र को 30% तक प्रोटेक्ट करेंगे, यानी कि 30x30 के गोल। ठीक है, समुद्र और जमीन की जो बायोडायवर्सिटी है उसको 30% तक मिनिमम प्रोटेक्ट करेंगे 2030 तक, यह है 30x30 का गोल। दूसरा कि देखो, कई बार क्या होता है कि जब हम लोग बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने जाते हैं तो हम लोग फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, फिर हम लोग ओशन को प्रोटेक्ट करते हैं। जब हम लोग फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने जाएंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां के जो ट्राइबल उनको भगाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि हकीकत में ट्राइबल तो सस्टेनेबल ही रह रहा है ना वो बायोडायवर्सिटी के साथ। हम लोगों ने मतलब बिल्कुल मशीन लेके गए, वहां से पेड़ वेड़ हटा दिए, पर ट्राइबल उनके ऊपर, उन जानवरों के ऊपर डिपेंडेंट, जानवर जो है वो उन ट्राइबल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इंडिजिनस जो कम्युनिटी है, जो जंगलों के अंदर पाई जाती है, जो साथ में बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने में आपकी मदद करेगी, उनके भी अधिकारों को जंगलों के अंदर प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये भी इस कनमिंग मॉन्ट्रियल पैक्ट के अंदर माना गया। साथ में कई सारे देश, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस कनमिंग मॉन्ट्रियल पैक्ट के अंदर सामने आया है, वो ये है कि $20 बिलियन हर साल 2025 तक रिच कंट्रियां पुअर कंट्री को देगी बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। 2025 तक कितना? $20 बिलियन। उसके बाद हर साल $30 बिलियन 2030 तक मिनिमम दिया जाए, जिसके बाद बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की फंडिंग पहले डबल की जाएगी देशों के द्वारा, फिर ट्रिपल की जाएगी। साथ में अमीर देश ये पैसा देंगे, इसके लिए गरीब देशों को भरोसा भी तो होना चाहिए। गरीब देशों को भरोसा कराने के लिए ट्रस्ट फंड क्रिएट किया गया है। इस ट्रस्ट फंड का नाम है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, जिसके अंदर रिच कंट्री पहले से थोड़ा पैसा डालेगी बताने के लिए कि हाँ हम लोग आपको $20 बिलियन देंगे। ठीक है, तो ये कनमिंग मॉन्ट्रियल पैक्ट जो है वो अभी साइन हुआ है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर, ठीक है, उज्ज्वल योजना आपको पता होगी ना, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, जिसके अंदर एलपीजी के कनेक्शन जो है वो लगाए जाते हैं। ठीक है, इवन एलपीजी के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी किया जाता है सब्सिडी के रूप में। राजस्थान के अंदर ये कहा जा रहा है कि 12 एलपीजी सिलेंडर तक लगभग 500 रुपए में ही आपको पड़ेगा, एक्स्ट्रा जितना भी कॉस्ट होता है वो गवर्नमेंट बियर करेगी विद द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजर जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि भारत के अंदर इन्फ्लेशन को कम करने में मॉनेटरी पॉलिसी ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ये आंसर लिखना है, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया एक्ट एज अ मेडिसिन एज वेल एज डिसीज इन ग्रोथ ऑफ इंडिया डिस्कस। ठीक है, तो
इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली में भारत के जो इकोनॉमिक एडवाइजर है उन्होंने कहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से भारत के इन्फ्लेशन को कम करने में मदद मिली है, क्योंकि भारत के अंदर सीधी सी बात है इन्फ्लेशन जो है वो 6% से कम गया है 11 महीनों के बाद, पहला। दूसरा कि इन्फ्लेशन जो महंगाई बढ़ रही है, हम लोग कह रहे हैं कि बाहर की वजह से बढ़ रही है, बाहर की वजह से बढ़ रही है, बाहर के साथ में डोमेस्टिक कारणों से भी बढ़ रही है, क्योंकि सब्जियों के दाम बहुत ज़्यादा है, और फूड प्राइस इन्फ्लेशन सीपीआई इन्फ्लेशन के अंदर एक बड़ा रोल प्ले करता है, एक बड़ा वेटेज रखता है, ठीक है। ग्रोथ जो है वो आने वाले समय में सबड्यूड होगी और एक्सपोर्ट जो है वो हिट होगा, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे डिमांड जो है वो कम है। तो दोस्तों आज के लिए तय रखते हैं, लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा है तो SRC 10 कमेंट करो। अनअकैडमी के ऊपर अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हैं SRC 10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली वन ऑन वन मेंटरशिप मिलेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी ना एक टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी द्वारा चलाई जा रही है, अगर आप लोगों को प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए तो 199 के अंदर आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसके अंदर 45 GS और 10 CSET के टेस्ट मिलेंगे। तो जाओ सब्सक्राइब करो, इसके अंदर भी आप कोड यूज करोगे SRC 10 तो आप लोगों को 10% तक का डिस्काउंट और मेरे द्वारा पर्सनली वन ऑन वन मेंटरशिप मिलेगी। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC 10 कोड का प्रयोग करो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और हाँ अगर आपको कोई भी डाउट है सब्सक्रिप्शन रिलेटेड तो नीचे एक डॉक्यूमेंट पिन है, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट के जरिए उस डॉक्यूमेंट को फिल कर दो, जिसके बाद मैं पर्सनली आप लोगों से कॉन्टेक्ट करूंगा और आपके डाउट्स को रिजोल्व कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए